हेलो टू एवरीवन, पहले तो आपका स्वागत है सभी का मेरे चैनल स्किल डेवलपर पर। पहले आपने सभी वीडियोस देखी है रिगार्डिंग पीटी, लाइक रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, एंड मैंने डिस्क्राइब इमेज पर वीडियो अपलोड करी है पहले, बट दैट वीडियो इज़ ऑनली इन इंग्लिश। सो अभी मैंने अब मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ ये रिगार्डिंग डिस्क्राइब इमेज है और ये वीडियो हिंदी में होगी। सो मेरा ये वीडियो हिंदी में डालने का सिर्फ यही मकसद है कि जो हिंदी और पंजाबी जो स्टूडेंट समझते हैं तो वो पहले अच्छी तरह समझ ले कि पीटी खुद ही क्या है, उसे कैसे करना है। सो आफ्टर दैट वो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं तो अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकती है। बिकॉज बहुत स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि वो पहले समझते ही नहीं है कि है क्या एक्चुअली, उसको करना कैसे है। तो इससे आपको हेल्प मिलेगी कि आपको पहले समझ लग जाएगी, समझ आ जाएगी आपको करना कैसे है, तो आप उसके बाद उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसके बाद आप होपफुली पीटी का टेस्ट क्लियर करके अपना जो भी सपना है वो पूरा कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद डिस्क्राइब इमेज। सो पहले तो जो डिस्क्राइब इमेज है ये बहुत लाइक इसमें बहुत इमेजेस हो सकती हैं। सो हम सभी पे बात करेंगे। तो पहले अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट प्रॉबली जो आपको एग्ज़ाम में फाइनल में आता है वो होता है बार ग्राफ इन डिस्क्राइब इमेज। सो ये वीडियो ऑनली रिगार्डिंग बार ग्राफ है, बिकॉज इफ़ मैं सभी ग्राफ्स और सभी पिक्चर्स की बात इस वीडियो में करने लग गया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो फॉर अदर ग्राफ्स मैं अभी और वीडियोज़ बनाऊँगा। सो आप अभी अपना कंसंट्रेशन पूरा यहाँ पर दीजिए। सो सबसे पहले बात करते हैं बार ग्राफ की इन डिस्क्राइब इमेज। सो पहले तो क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब इमेज होती क्या है। डिस्क्राइब इमेज जो है इस पीटीई का सबसे इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं पार्ट है, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा मार्क्स कंटेन्स करता है एंड इसको स्टूडेंट्स बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट मानते हैं। बट आप अगर आप कुछ टेक्निक के साथ इसको करोगे तो इट्स एन ईजी पार्ट, और ईजी के साथ साथ आप अच्छे स्कोर्स ले सकती हो इसमें। ये लाइक आपके लिए एक स्कोर्स गेनर हो सकता है। इसमें क्या होता है कि आपको 7 से 8 इमेजेस आपको आती है ये फाइनल एग्ज़ाम्स में जो आपने डिस्क्राइब करनी होती है। उसमें आपको क्या 25 सेकंड्स का पहले टाइम मिलता है कि उस इमेज को देखो, उसको अपने दिमाग में पढ़ो, सोचो वो इमेज क्या है। उसके बाद आपको 40 सेकंड्स मिलते हैं जिसमें आपको अपने आप को रिकॉर्ड करवाना होता है कंप्यूटर पर और उस इमेज के बारे में बोलना होता है। ये होती है डिस्क्राइब इमेज, मतलब उस इमेज को आपने डिस्क्राइब करना है इन 40 सेकंड्स। सो इस सेक्शन में लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स होते हैं, लाइक बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबल्स, पाई चार्ट्स, मैप्स एंड सम पिक्चर्स। लाइक किसी बिल्डिंग की पिक्चर हो सकती है, किसी व्यू की पिक्चर हो सकती है, उसको आपने डिस्क्राइब करना होता है। तो वो सेम ही रहता है, आपको 25 सेकंड्स पहले प्रेपरेशन के मिलते हैं, 40 सेकंड्स में आपको उसको डिस्क्राइब करना होता है। तो इसमें जो आपको मार्क्स मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, वो आपकी डिपेंड करता है आपकी प्रोनंसिएशन पर, फ्लुएंसी पर और कंटेंट पर, मैटर ऑफ मीन्स मैटर क्या है उसमें। ओके नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि पहले होती क्या है। प्रोनंसिएशन मीन्स कि आप जो इंग्लिश बोल रहे हो, जो आप डिस्क्राइब कर रहे हो इमेज को, वो आप प्रोनाउंस कैसे करते हो, कोई उसको आप कितनी ईजिली कोई समझ सकता है उसको। सो इसमें एक बात और ध्यान में रखने वाली होती है कि आपका जो एक्सेंट है वो मैटर नहीं करता है कि आप किस एक्सेंट से बोलते हो, जस्ट कि वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। सो जो आपका एक्सेंट है, इंडियन हो, कहीं किसी भी कंट्री के हो, तो आप अपना एक्सेंट वही सेम रखिए। एक्सेंट चेंज करने की कोशिश ना कीजिए, जस्ट नेचुरली बोलिए, जो आपका एक्सेंट है वही बोलिए और क्लियरली बोलिए, वो होती है प्रोनंसिएशन। फ्लुएंसी मीन्स कि आप इंग्लिश उस इमेज को कितने फ्लो में बोल रहे हो, मीन्स आप अड़क तो नहीं रहे हो, आप बार बार रुक तो नहीं रहे हो, जितना रुकोगे उतने मार्क्स कम होंगे। नेक्स्ट इज कंटेंट। कंटेंट क्या होता है कि जो डिस्क्राइब इमेज में जो आपको इमेज आई है उसके बारे में कितना बोल रहे हो। कहीं जैसे आपको इमेज आई है बार ग्राफ मीन्स पॉपुलेशन के हिसाब से कि पॉपुलेशन 1990 में इतनी थी, 2000 में इतनी होगी, 2010 में आई पॉपुलेशन पर है, आप फुटबॉल पे बोल रहे हो, वो गलत हो जाएगा। सो आपने उस कंटेंट को भी दिमाग में रखना है कि इमेज किस कंटेंट की है, उस कंटेंट पे बोलना है।
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो आपको 25 सेकेंड्स पहले मिलती हैं उसको आपने यूटिलाइज कैसे करना है। सो सबसे पहले क्या कि आपको 25 सेकेंड मिलेंगे, तो उसमें आपने पहले सबसे उस इमेज का जो हेडिंग है वो अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ना है कि वो है क्या, बिकॉज हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है पिक्चर के लिए। सो उसको पहले पढ़ना है वो है क्या, उसके बाद में देखना। जब बार ग्राफ में दो एक्सिस होंगे, मींस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होंगे, वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा वो क्या होते हैं। एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा, उसमें देखना है आपने एक्स एक्सिस में क्या है और वाई एक्सिस में क्या है। नाउ अब देखिए कि वो जो ग्राफ है वो क्या शो कर रहा है आपको, मीन्स कब नीचे जा रहा है कब ऊपर जा रहा है। और फिर आपने उस देखना है कि जब ग्राफ ऊपर जा नीचे जा रहा है तो सबसे हाईएस्ट कब जा रहा है और लोएस्ट कब जा रहा है, वो ध्यान में रख लेना है, ध्यान में रख लेना इन 25 सेकेंड्स में। नेक्स्ट आपके क्या करना है, फॉर इंस्टेंस ये आपके एग्जांपल्स है जिसमें ईयर्स लिखे हैं, 2002, 2004, 2006, 2010, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। एंड द वाई एक्सिस परसेंटेज, जिसकी परसेंटेज है लाइक 0, 20, 40, 60, 80। सो ये परसेंटेज है, तो आपने पहले एक्स एक्सिस देखना 25 सेकेंड्स में, एक्स एक्सिस में ईयर्स हैं 2002 और 2004, मीन 2002 से 2010 है, और परसेंटेज है 0 से 80, ये दिमाग। उसके बाद में देखना है कि सबसे कम वैल्यू कब है 2002 में एंड 2010 में। और सबसे पहले देखना है कि आपने हेडिंग क्या है, इसकी हेडिंग है कंप्यूटर ऑनरशिप, 2002 में कितने थे और 2010 में कितने थे। तो एक दिमाग में ये बैठा लेनी है बात को, तो इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है। अगर ऐसा डायग्राम आया तो इसका कंक्लूजन ये हो सकता है कि 2002 से लेकर 2010 तक जो कंप्यूटर ऑनरशिप है वो इंक्रीज होती गई। ये देखिए ना, 2002 से बाद 4 में ज़्यादा है, 6 में उससे ज़्यादा है। सो आपने जस्ट ये उसको कंक्लूड कर देना है। जैसे आप देख सकते हो, आप इस तरह दिमाग में बात रख सकते हो कि कैसे कैसे उसको बोलना है, ऐसे पॉइंट अपने दिमाग में नोट कर लेनी है। ओके, अभी अभी आप देख सकते हो कि उसका आंसर कैसे हो सकता है। अब 40 सेकंड्स में आपने क्या बोलना है उसमें, उसमें आप आप पढ़ सकते हो, आप मैंने स्लाइड बनाई हुई है, आप देख सकते हो कि आपने कैसे उसको पढ़ना है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये वाला फॉर्मेट आप किसी भी बार ग्राफ में यूज़ कर सकते हैं, तो ये फॉर्मेट जस्ट याद कर लो। जब भी आपको बार ग्राफ आए तो ये फॉर्मेट आपने बोलना है, जैसे दिस डायग्राम प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन अबाउट, अबाउट के बाद देखना है कि उसका जो हेडिंग है वो क्या, वो यहाँ पर फिट कर दो। फिर एक्स एक्सिस में क्या है, 2002, 2010, वो यहाँ पर फिट कर दो, 2002 टू 2000, मीन्स आप अपने अकॉर्डिंगली उसको चेंज कर सकती हूँ अकॉर्डिंग टू डायग्राम, बट जो मेन लाइन्स है वो सेम ही रहेंगी। सो इसके साथ क्या होगा कि आपकी जो फ्लुएंसी, जब आप याद कर लोगे आपकी फ्लुएंसी के से बहुत अच्छी हो जाएगी, और जब आप बार बार याद करोगे तो ये वाला जब फॉर्मेट याद कर लोगे तो जो अपनी फ्लो है वो अच्छा हो जाएगा, तो फ्लुएंसी में मार्क्स पूरे आ जाएंगे। सेकेंडली, जब आप दोबारा दोबारा याद करोगे तो आपको एक फॉर्मेट याद है तो प्रनन्सिएशन भी अपने आप आपकी सुधर जाएगी। सो इससे आपके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे आपको गुड मार्क्स आने के लिए। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये वाला फॉर्मेट है मैंने आपको आपने अभी देखा, वो सेम है जिसमें भी आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखते हैं इमेज अपने पेपर में, जो भी डायग्राम आती है जिसकी दो एक्सिस है लाइक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, आप उसी में ये फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मैंने बहुत को स्टूडेंट्स को ये स्टडी भी करवाया है, और ये सक्सेसफुल वे है आपका मार्क्स गुड लेने का। सो उसको याद कर लीजिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आप एस एट द टाइम बीइंग आप इंग्लिश नहीं बना सकते, तो फॉर्मेट को याद कर लो, जस्ट फिट कर दो वहाँ पर वर्ड जो चाहिए। सो एक और बात, जैसे आपको 7 और 8 तरह की इमेजेस आएगी, उसमें आपको 4 बार ग्राफ आ गए जिसमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है। सो आप ये वाला जो फॉर्मेट है हर किसी में यूज़ कर सकते हो। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आप हर किसी में यूज़ कर सकते हो, बिकॉज कंप्यूटर जो आपको, जब आपका पेपर चेक करता है, जब आपका एग्ज़ाम चेक करता है, तो हर एक वो इमेज को डिफरेंटली चेक करता है। ये नहीं कि आपने पहले ये फॉर्मेट बोल दिया अब नहीं बोलना, मार्क्स ना कम हो जाए, ऐसा नहीं होता। आप एक डायग्राम में कोशिश करो कि
वर्ड जो है ज़्यादा रिपीट ना करो, बट वो डायग्राम जो आपने एक डायग्राम को डिस्क्राइब किया उसके वर्ड दूसरी डायग्राम में यूज़ कर सकते हो। सो इसमें जब आप ये वाला फॉर्मूला अच्छे से याद कर लोगे, अच्छे से आप फाइनल में आप उसका आंसर दे दोगे, आपको डिस्क्राइब कर दोगे, तो आपके इजीली 50 से 65 स्कोर्स आ जाएंगे। आगे आपकी मेहनत पर है, आप मेहनत कितनी करते हो। ओके, ये फिर मैं दोबारा आपको यही रिमाइंड करवाने के लिए दोबारा ये लास्ट स्लाइड है कि आप सिर्फ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस याद करो। किसी भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाली डायग्राम में आप ये फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो। सेकंड बात कि आप कभी भी सारी की सारी डायग्राम एक्सप्लेन करने की कोशिश मत करो कि आप सभी डायग्राम सारी से सारी एक्सप्लेन कर दो, इतना आपके पास टाइम नहीं है। बिकॉज जो जिन्होंने फॉर्मेट बनाया है, कंप्यूटर ने पेपर चेक करना है, सभी को पता है कि आप 40 सेकंड्स में इतनी डायग्राम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, जिसके 90 आउट ऑफ 90 है वो भी नहीं कर सकता। सो आप हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट याद रखो, देखो वही आपने उसमें बोलना है, वही एक उसके बाद जब आपने देखना है, जब ऊपर वाला टाइमर 35 सेकंड्स पे आ गया तभी आपने कंक्लूड कर देना है। सो आपका जो एंड डिस्क्राइब इमेज का वो 38 और 39 सेकंड्स में हो जाना चाहिए। कंप्यूटर ये अगर आप बोलते रह गए और कंप्यूटर आपका टाइम ख़त्म हो गया, सो वो भी नेगेटिव है। सो आपको 38 में फिनिश कर देना चाहिए। सो इसके लिए इससे साथ आपका रिजल्ट गुड आएगा। और कंक्लूड जरूर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इमेज को कंक्लूड करें लास्ट पे, बिकॉज कंक्लूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज जब आप कंक्लूड करोगे तो कंप्यूटर में कुछ वर्ड्स सेव होते हैं, वो अपने आप उसके मार्क्स देता है कि इस बच्चे ने कंक्लूड किया है। कंक्लूड इज़ मस्ट। ओके, अब आपने प्रैक्टिस के लिए क्या करना है कि आप इमेजेस गूगल पे करो, बार ग्राफ, आपको बहुत से ग्राफ मिल जाएंगे, जस्ट उसको फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन करो, 40 सेकंड आगे अपने रखो और उसको बोलना शुरू कर दो। फिर उसको बाद उसको सुनो, जहाँ भी आप फंबल कर रहे हो, जहाँ रुक रहे हो, उसको फिर दोबारा बोलो, फिर दोबारा बोलो। आप जब ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो ये वाला जो फॉर्मेट है आपको याद हो जाएगा, जब याद हो जाएगा तो आप इजीली आप उसको फाइनल में बोल सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, अभी अभी कुछ भी आपने पूछना हो तो आप मैसेज कर सकते हो मेरे इस वीडियो के नीचे। मैं ट्राई करूँगा कि मैं सभी का रिप्लाई करूँ। थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप कि सभी अपना एग्ज़ाम क्लियर करो और अपना जो भी सपना किसी भी कंट्री का है वो पूरा करो। थैंक यू वेरी मच।